बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से भाई। क्यों भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ मैं बहादुर हूँ, लेकिन अम्मी कहती है कभी कभार हमें हमारे अपने ही कमजोर कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे डर गई। ठीक कहती है तुम्हारी, है ना। अच्छा देखो ये क्या लाया हूँ। वाह, आप हमारे भाभी के लिए लाए हैं। नहीं ये उसके लिए नहीं है। फिर ये तुम्हारे लिए। मुझे चेन नहीं पहननी, मुझे चेन नहीं पहननी। अदर तुम तो बहुत डरपोक हो अदर। हैं? नहीं नहीं आबदार तो बिल्कुल डरपोक नहीं है। लेकिन मैंने तो आबदार को डरा दिया है ना आबदार। नहीं वो ये चेन आप। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि चेन के बारे में तुम्हारे क्या तासीर हैं, क्योंकि अगर ये हमारा को पसंद ना आई तो फिर मेरी खैर नहीं है। जो कुछ समझ नहीं आ रही। आ जाएगी, आ जाएगी। तुम शामिर के साथ खेलो, मैं चला हमारा को ये देने, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ओ हेलो, क्या हुआ, तुम बहुत डर गई? नहीं। चलो आओ लूडो खेलते हैं। नहीं स्मार्टी, तुम खेलो। देखा क्या? देख लिया बेटा, वो दो आंखें थी और वो दो हाथ मेरा गला दबा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ मैं अकेली नहीं सोऊंगी, आप अभी मेरे साथ चलो। हाँ जी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चुप नहीं पूछो। ऐसे क्या देख रहे हो, नजर लगाने का इरादा? मेरी की नजर लगी, बस अब तुमसे नजर हटती नहीं है। कहते हैं कि कभी कभार किसी बहुत प्यार करने वाले की नजर भी लग जाया करती है। कहते होंगे, मगर मैं तो तुम्हें ऐसे ही देखूंगी, कोई एतराज है? नहीं, देखती रहो। तुम्हें पता मैं सोचता था कि मेरी दुल्हन बहुत ही शर्मीली नाजुक सी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्या मतलब?
क्या मैं शर्मीली नाजुक सी नहीं हूँ? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि तुम में ये दोनों खसूसियात तो मौजूद है लेकिन मिकदार थोड़ी सी कम है। I hate you. तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? और तुम गुस्से में बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो। और तुम बिल्कुल बच्चों की तरह दूसरों का मजाक उड़ाते हो। सुनो, अगर मैं कहूँ कि ये बच्चा एक बहुत ही हसीन और जमील, परी पहकर, नाजुक सी वगैरह वगैरह लड़की का दीवाना है तो कौन है वो लड़की? तुम्हें तो बता, तुम्हें से क्या? यावर, मैं तुम्हें जोर से माधुरी बताओ मुझे कौन है वो। जोर से माधुरी तो बताओ। नहीं नहीं बताऊंगा मैं। बात मत करो मुझसे। नाराज क्यों हो रही हो? ऐसे थोड़ी होता। पहले बता मुझे कौन है वो लड़की। बता दूंगा लेकिन एक शर्त पर। बोलो। तो मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट दोगी, फिर बताऊंगा। ट्रीट तो मैं तुम्हें वैसे भी देती हूँ, अब बताओ मुझे। लड़की जिसका मैं दीवाना हूँ वो तुम। सच? झूठ तो नहीं बोल रहे? एकदम सच। सोच लो, अगर मुझे पता चला कि कोई और लड़की, तो मैं तुम्हें बाकी में जान से मार डालूंगी। कसम से नहीं, कसम से नहीं। बस क्या कर रही हो तुम? अम्मी, वो मैं खीर बना रही थी। खीर? लेकिन किस खुशी में? अम्मी बस ऐसे ही दिल कर रहा था, और बासित को भी पसंद है ना इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी खीर बना लो, 100 काम पड़े। और सुनो, कल से किचन तुम्हें संभालना है, बहुत दिन हो गए आराम करते हुए। जी, इसलिए आपके कहने से पहले ही मैं किचन में मौजूद थी। अच्छा ठीक है, जब खीर बन जाए ना तो इमरान के कपड़े बदल देना, सारे कपड़े खराब कर दिए उसने। जी अच्छा, मैं अभी आई। अच्छा जल्दी बनाओ ना, इतनी देर कर रही हो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं इतना डर गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था। तुम हंस रहे हो? मैं तसव्वुर में तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर हंस रहा हूँ। देखो अबू बकर, मैं फोन रख दूंगी। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना प्लीज। तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से तुम। अरे बाबा क्या हो गया, एक ख्वाब ही तो था, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है? मैं इतना डर गई थी, रात को अम्मी के पास जाके सोई। फिर वैसे एक बात बताऊ, मैं तो एक बहादुर आबदार को जानता था, आज पहली बार एक डरपोक आबदार से बात। मैं अभी भी बहादुर हूँ, समझे? अच्छा रियली रियली, तो फिर वो ख्वाब क्या था? वो हाथ, वो डर। जाहिर है डर तो लगता है ना भाई। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर कभी मैं बहुत मुश्किल में हुई, जो बहुत डर लगा, तो तुम मुझे सहारा दोगे, अम्मी की तरह संभालोगे मुझे? हाँ अब्दार, मैं वादा करता हूँ कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन देखो, तुम्हें भी अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वही बहादुर और मजबूत आबदार पसंद है, ये डरी और सहमी हुई नहीं। वैसे मैं एक काम नहीं कर सकता। वो क्या? तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। Thank you.
बासित ये लीजिए। क्या ये? तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है मैंने। रख दो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर यहाँ बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। अच्छा ये खीर खाओ। अच्छा मैं खिलाती हूँ। और हाँ, आज से मैं किचन संभाल रही हूँ। अच्छा तुम ये खीर खा लो, मैं जाके आबदार को भी देकर आऊंगी। ठीक है। आबदार जी। भाभी किधर गुम हो भाई? और सुबह से दिखाई भी नहीं दी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स मिस कैसे नहीं करती। अरे भाई सारा दिन तो तुम हंसती मुस्कुराती रहती हो, मिस तो करना ही था। ये क्या लाई है हमारे भाभी? मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ, खा के देखो, बहुत मजे की। आप कितनी अच्छी है। बहुत मीठी है लेकिन बड़ी मजे की है। क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि मां का दिल दुखाए बगैर अपनी ख्वाहिश किस तरह पूरी की जा सकती है। कहीं तुम भी गालिब की तरह अपनी मर्जी से शादी करने का तो नहीं सोच रहे? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं? अगर तुम्हारे जहन में ऐसी कोई भी सोच है बेटा, उसे निकाल बाहर करो, क्योंकि ऐसा कोई भी फैसला तुम्हारी मां की जान ले लेगा। अल्लाह ना करे। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारी मां ने तुम दोनों के लिए कितनी कुर्बानी दी। जिंदगी में कभी भी उसे कोई तकलीफ मत देना। नाफरमानी ने मुझे मुश्किलों में डाल दिया। बाबा जान बीबी जान तो वही गालिब भाई की वजह से बहुत दुखी, मगर अपने अपने दिल और मोहब्बत से मजबूर होकर ना चाहते हुए भी उनका हर खुशी में साथ देते। और गालिब भाई अपनी दुनिया में मगन है, भाई के किए हुए फैसलों की कीमत क्या मुझे अपनी खुशियां देकर अदा करनी पड़ेगी? क्या भाई और रूबी भाभी की वजह से मैं और गुलपरी कभी एक नहीं हो पाएंगे? यावर जी। बीबी जान क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बताएं क्या हुआ? जवान बेटा जब गहरी सोचों में गुम रहने लगे ना, इसका मतलब होता है कि उसकी शादी का वक्त आ चुका है। बीबी जान अभी तक तो हम गालिब की शादी को नहीं समेट पाए, मेरी शादी के बारे में क्या सोचना? लेकिन मैं कल से कॉल कर रहा हूं, देखें आप किसी भी तरह शोएब साहब से रابطہ करें। जी क्या हुआ गालिब, कुछ परेशान है? नहीं कुछ खास नहीं, तुम बोलो। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना घर का इंटीरियर चेंज करवा लो। क्यों, मुझे तो कोई जरूरत फील नहीं हो रही।
क्योंकि आपको फैशन सेंस है ही कहाँ। मुझे कोई जरूरत है भी नहीं। जरूरत होगी भी कैसे, आपके घर वालों को तो सदियों पुरानी एंटीक्स के साथ रहने की आदत है। तुम बात का रुख मोड़ी रूबी। बात का रुख मैंने नहीं आपने मोड़ा है। मैं इंटीरियर को ऑर्डर दे रही हूँ, आप बिल पे कर दीजिएगा। मैं इस वक्त ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, एक छोटा सा बिल अफोर्ड नहीं कर सकते आप गालिब चौधरी? हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर बेच डाले इस जागीर को। ऐसी जागीर का क्या फायदा जब जागीर वाले के पास पैसे ही ना हो। यावर एक बात पूछूं? तुम मुझसे बगैर पूछे भी कुछ कह सकती हो। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? ये कैसा सवाल है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। परी, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, शादी भी तुमसे ही करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा। कितना वक्त? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। पर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। वाले भाई और रूपी भाभी की शादी बीबी जान की मर्जी के खिलाफ हुई थी। वाले भाई की इस मुखालफत की वजह से बीबी जान आज भी दुख महसूस करते हैं। इसलिए मैं बीबी जान को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहता। हमारी शादी, मैं बीबी जान को किसी ना किसी तरह मना लूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊं। आखिर मां है वो मेरी, मैं किसी भी तरह उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। तो मेरा साथ दोगी ना? कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना अनपढ़ी, अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं उस मुश्किल को पार कर लूंगा। हाँ यार, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। सॉरी वाले, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। वैसे परेशान से ज्यादा मैं हैरान हो गया था कि यार आप जैसा जिम्मेदार शख्स एकदम गायब कैसे हो सकता। दुबई वाली कमिटमेंट में कुछ मसला पड़ गया था, इसलिए अचानक ही जाना पड़ा, किसी कंफर्म नहीं कर पाया। चले खैर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और हाँ, अब तो हम जब बिजनेस पार्टनर्स बनने जा रहे हैं तो आपको मेरे दिन और रात की खबर हुआ करेगी। नहीं भाई, ये जिम्मेदारी तो सिर्फ बेगमात की होती है, और मैं तुम्हें सिर्फ बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ भाई। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे देखिएगा हम किस किस चीज में पार्टनर्स बनते हैं। बेगम सर, ये एग्रीमेंट के पेपर्स हैं, साइन कर दीजिए प्लीज। हाँ भाई, क्यों नहीं। बस बासित भाई, मैं थक गया। लो, इतनी सी गेम में तुम थक गए। हाँ ना, मैं अकेले ही बॉलिंग और फील्डिंग खुद ही कर रहा हूँ, और आप आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो है। और आज आबदार भी नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? पता नहीं, मैं गया तो वो सो रही थी। तो उसको बुला कर लाओ, मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें, बुखार है तुम्हें? नहीं ऐसे भाई, बुखार तो नहीं है, बस वैसे ही। जिए मेरी दुलारी, जी जी रहो बेटा, माशाल्लाह तो तुम ज्यादा वक्त किचन में ही मसरूफ रहती। जी दादी जान, अम्मी कहती हैं कि बस जल्द से जल्द अब तुम्हें सारे काम सीख लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती है किंजा लो।
एक लड़की को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द घरदारी में माहिर हो जाए। बस अब्बा जान आजकल ना वैसे किचन में ही मसरूफ रहती हूँ। दादा जान आपको पता है मैंने कल रात इतना बुरा ख्वाब देखा। अच्छा क्या? उसमें एक आदमी इतनी अजीब सी नजरों से देख रहा था और फिर वो मेरा गला दबा रहा था। मैं इतना डर गई थी। बेटा ख्वाबों से डरना नहीं चाहिए, इंसान की मदद करते। लेकिन मुझे तो अब डर लगने लगा है दादा जान। इसीलिए अब्बा जान रात को उठकर मेरे पास आ गई सोने। बेटा जरा उन्हें ख्वाबों से बचने के लिए रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना चाहिए। हे दादा जान, क्या उससे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और डर भी नहीं लगेगा? बिल्कुल बेटा, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने से बहुत सुकून नींद आती। वाओ, अब तो मैं रोज रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करूंगी। थैंक यू दादा जान। प्रिंसेस कहाँ हो तुम? जल्दी से ऊपर आ जाओ क्रिकेट खेलने। जाओ भी प्रिंसेस, तुम्हारा शहजादा तुम्हें बुला रहा है खेलने के लिए। अब्बा जान मैं से बहुत मना करती हूँ कि अब ये खेल कूद बंद करे, ये समझती ही नहीं है। बहू कुछ ही महीने तो रह गए, खेलने दो उसे। मैके जैसी आजादी ससुराल में कहाँ मिलती है? तो 100 जिम्मेदारियां सामने आ खड़ी होती है और औरत उन्हीं में मसरूफ हो जाती है। अरे आबदार, तुम तो आज पूरा दिन दिखाई नहीं दी। खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बासित भाई, प्रिंसेस तो बिल्कुल ठीक है ना प्रिंसेस? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम? बुखार है तुम्हें? नहीं बासित भाई, बुखार तो नहीं है, बस वैसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप क्रिकेट खेलते, हम तो तुम्हें इतना मिस कर रहे थे। क्यों शामिर? हाँ प्रिंसेस, मैं बासित भाई को आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ, हमने सोचा कि तुम्हें ही बुला लें। शामिर बाल आबदार को दो, आबदार बाल कराओ। नहीं बासित भाई, मैंने नहीं खेलना। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों प्रिंसेस, प्लीज खेल लो ना, मैं आउट नहीं कर पा रहा, प्लीज खेल लो प्लीज। नहीं स्मार्टी, मेरा दिल नहीं चाह रहा और मैं जा रही हूँ। अरे वाह, बड़ा प्यार हो रहा है माँ बेटी में। आई एम सॉरी बेबी, उस दिन मैं टेंशन में था। पता है ये रोज रोज बिजनेस के नुकसान ने मेरा दिमाग बंद कर दिया। अच्छा तो इसका मतलब है जब जब बिजनेस की परेशानी होगी तो आप मुझसे लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं कैसे यकीन करूं? इतना बेटा मामा को बताओ, पापा ऐसे नहीं कर लेंगे। जुर्माना भरना पड़ेगा इसका। गुलाम हाजिर, हुक्म कीजिए। बहुत सारी शॉपिंग और बहुत अच्छा सा डिनर। हुक्म की तामील। अगर चीन में हमारा प्लांट लग जाता है तो लेबर कॉस्ट आधी हो जाएगी क्या? और आई थिंक ओवरऑल कॉस्ट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। मोस्ट डेफिनेटली, अगर हम दोनों में से किसी एक को हर थोड़े दिन के बाद वहां का चक्कर लगाना पड़े। हाँ तो नो इशू, मैं चला जाया करूंगा, इसमें क्या बात है। मगर वाले साहब आप तो फैमिली वाले हैं, कैसे रोज रोज आना जाना करेंगे आप? आप इस बात की फिक्र न करें, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वाकई? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती है।
अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, इस तरह तो बहुत आसानी हो जाएगी। कभी आप चले जाया करना, कभी मैं। हाँ आप ऐसे कर लेंगे। वैसे आपके फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताया आपने। I'd like to meet them। अरे जी बिल्कुल, मैं तो खुद आपको डिनर पे बुलाना चाह रहा था। तो बताएं कब मेरे घर पे डिनर कर सकते हैं आप? जब आप मुनासिब समझें। अच्छा तो ठीक है, फिर आज रात का डिनर मेरी तरफ। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी गालिब साहब। गालिब आप मुझसे पूछ तो लेते। इतना वक्त कम रहा यार। गालिब मैंने नुमेरा से कमिटमेंट की थी, अब मुझे उसे मना करना पड़ेगा। तो कर दो। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि मना कर दो। समझेगी मैं बहाना बना रही हूँ। अच्छा बाबा मैं कॉल कर देता हूँ और मैं कहूँगा मैंने अचानक से दोस्त का खाना कर दिया और मेरे घर नहीं आ सकती। प्लीज ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो समझेगी आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। किस किस्म की लड़कियों से दोस्ती रखी तुमने? अच्छा प्लीज अब मेरी दोस्तों में से कीड़े निकालने मत बैठ जाएगा। अच्छा तुम ऐसा करना गुलपरी को बुला लेना। नहीं गुलपरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, वो वैसे भी आजकल बड़ी मसरूफ है। ओके तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। थैंक यू यावर। किस बात के लिए? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर ये बात है तो फिर मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे लिए वक्त निकालती हो। यावर ये पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी भी यही हालत है, सच पूछो तो इतनी तवज्जो और मोहब्बत मुझे पहले कभी मिली नहीं। हाँ बीबी जान की बात अलग है। यावर बीबी जान वो मुझे कबूल तो कर लेंगी ना? हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है यावर, अगर हम एक नहीं हो पाए तो। ये सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों दिल में एक उम्मीद से उठती है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ ये फिक्र सताई जाती है कि जिस तरह रूबी आपी बीबी जान के दिल में अभी तक जगह नहीं बना पाई, कहीं मैं भी नाकाम ना हो जाऊं। बीबी जान के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उनकी बात को वो इज्जत और मुकाम देना होगा जो कभी भाभी से नहीं मिला। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि रूबी आपी का भी क्या कसूर था, उन्होंने भी तो सिर्फ वालिद भाई से मोहब्बत ही की थी। बीबी जान का ये सुलूक आगे मोहब्बत सिर्फ वही समझ सकती है परी जो खुद माँ। न जाने क्यों हम सारी दुनिया की मोहब्बतों को माँ की मोहब्बत पर फौकियत देते हैं और इसी एक बात से माँ के जज्बात को ठेस पहुंचती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं बीबी जान से तुम्हारे लिए प्यार से बात करूंगा तो वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। तुम सच कह रहे हो ना यावर, ऐसा ही होगा ना? हाँ परी ऐसा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मोहब्बत जरूर कामयाब होगी। जी मेरी
बाबा जान आप उससे एक बार बात तो करके देखें। हाजरा बेटा ऐसी बातें जल्दी में नहीं होती। बात जल्दी की नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे क्या जैसे ये भी गालिब की तरह। नहीं नहीं तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कह सकते हो, तुम यावर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरे दिल में वहम सा है। तुम ये सारे वहम अपने दिल से निकाल। अच्छा ये बताओ तुमने कोई लड़की देखी यावर की? अभी कहाँ देखी, आपसे कहा था ना इतनी दोस्तियां हैं आपकी, आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे ना जो मेरे इस घर को जीता जागता घर बना दे। देखना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर को घर बुला के आपने बहुत अच्छा फैसला किया। हाँ यार वो तो खुद मिलना चाह रहा था तुम लोगों से। अच्छा है, इस तरह आप दोनों के दरमियान अपनाइयत भी बढ़ेगी और आप लोगों के बिजनेस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। साहब जी मेहमान आए हैं। हाँ हाँ तो उन्हें बुलाए अंदर, जल्दी करें। ये मेरा भाई है यावर। वेलकम। और ये मेरी मिसेज रूबी। हेलो। आइए ना प्लीज, आइए ना, आइए। बता देना चाहता था लेकिन चुप रहा कि शायद ये समझ जाए, लेकिन इसे तो हाय आपदार तू ऐसी निकलेगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और नहीं तो क्या,
हमारी भी तो बेटियां हैं, बेटियों का लक्षण ऐसे होते क्या? अवतार तू तो मंगली वाली थी। हाँ, अबू बकर को भी इसी तरह डोरे डालकर फंसाया होगा उसने, और अभी खड़ी मुंह क्या तक रही है? दफा हो यहाँ से। किंदा, ये सब कुछ सिखाया तुमने अपनी बेटी को, ये तरबियत की है? अगर मेरी बेटी ऐसा करती ना तो मैं उसको जान से मार देती। डूब मरो कहीं जाकर, न अपनी इज्जत का ख्याल न खानदान की इज्जत का ख्याल। जैसी माँ वैसी बेटी, जरा अरमान न संभालेगा इससे। बस बहु, बहुत कुछ कह लिया तुमने। बिखरे हुए लगते हैं नाते, वो जिनको याद रखना हो वो क्यों भूल जाते। आपके पेशेंट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उनकी हालत अभी बहुत खतरे में है, प्लीज आप दुआ कीजिए। तुमने क्या कहा, तबीयत कैसी होगी? कई दुख इस तरह यादों के बंधन गलाने के लिए मेरा ही शोर मिला था। अरे वो तो मुझे सिर्फ अकेले में बासित करके पुकारती थी। हाँ, सबके सामने भाई जरूर कहती थी। अल्लाह की मार पड़ेगी उस पे, देखना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, पहले की तरह